महफिल सजाओ मुँह मीठा कराओ बाराती संग ठुमके लगाओ। चाचा चाची हो या मामा मामी हो सारे रिश्तेदारों को बुलाओ। दिल को मिलाओ दावत कराओ खुद खाओ सबको खिलाओ। नो वेडिंग पुलाओ नो वेडिंग पुलाओ घोड़ी सबको सजाओ बैंड बाजा बजाओ। दूल्हा दुल्हन के संग फोटो तो खिंचाओ। वॉल्यूम बढ़ाओ सबको नचाओ ये गाना फिर से बजाओ। नो वेडिंग पुलाओ नो वेडिंग पुलाओ मम्मी। हाँ शम्मी, मैंने सुना है आदित्य और रिया की लव मैरिज है। सुना तो मैंने भी यही है। ये जो आदित्य है ना बाइक्स डिजाइन करता है और रिया के जो पापा है ना बाइक्स प्रोड्यूस करते हैं वो। फिर तो डेफिनेटली लव मैरिज है। और क्या? नमस्ते जी, सत श्री अकाल। हाय, हेलो मम्मी जी, हेलो शम्मी जी। हाय जी, मैं क्या बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आदित्य के पापा को देखा कहीं? बहुत देर से नजर नहीं आ रहे। पंजाबी आदमी कहीं नजर ना आए ना तो उन्हें जाके बाहर में ढूंढना चाहिए, वही होते हैं जी सारे। पंजाबियों की शान है जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं जाकर देखती हूँ। यू एंजॉय योरसेल्फ जी। ढूंढो ढूंढो। अपना यार एक छोटा छोटा यार अपना। ओ सोडी साहब, खुराना जी, माय नियर एंड डियर खुराना जी। ओ मैं क्या जी, बहुत बहुत बधाइयां। आदित्य हैज मेड अस वेरी प्राउड। थैंक यू जी, थैंक यू। पुत्र किसका है ये? पुत्र किसका है? ओ जी ये तो मेरा ही है, डिम्पी। हाँ ओ हेलो पुत्र। वेरी फाइन अंकल जी। जीता है पुत्र जी, गारमेंट्स का बिजनेस चला रहा है। He is doing very well. अच्छा, हाँ। अच्छा। पुत्र गड्डी के भी चला रहे हैं आजकल? अंकल जी एस क्लास। कमाल है, ए क्लास पे होता पुत्र होके एस क्लास पे अटका हुआ है। भाई वैसे तो हमारे पास भी एस क्लास हुआ करती थी, लेकिन मेरी ब्यूटीफुल हॉट सेक्सी वाइफ ने बोला कोई उच्ची गड्डी ला लो। तो फिर पुत्र मैंने दो Q7 खरीद ली। अच्छा, पता नहीं क्यों। मैंने कहा जी एक मिनट। एक मिनट। हाँ जी। ये क्या कर रहे हो? वो देख नहीं रही, सोशलाइजिंग कर रहा हूँ। इसे सोशलाइजिंग नहीं, लंबी लंबी फेंकना कहते हैं। स्वीटी लंबी लंबी कहाँ फेंक रहा हूँ भाई, एक Q7 तो है ना हमारे पास। तो फिर ये कौन सा घर पे आके चेक करने वाले हैं कि दूसरी Q7 कहाँ है? आप भी ना। मैं भी क्या? पड़े वो। वो क्या? बस रहने दो। क्यों रहने दूँ? तो कर लो फिर। स्वीटी पापा लूजन अप। कुमार साहब, माय नियर एंड डियर कुमार साहब, हाउ आर यू? अब तो ठीक ही हूँ। आगे भी ठीक ही होंगे। हाय बेटा। हाय आंटी। हाय रुबा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। थैंक यू आंटी। आंटी आदि कहाँ है? गाइस कैसा लग रहा हूँ? आजी टूटो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है यार। हंस लो कमीनो, हर कुत्ते का दिन आता है, तुम्हारा भी आएगा। यार मुझे दिन नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी सुहागरात का इंतजार है। सुहागरात पे भी तू सिर्फ खाना खाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बात करता है साला। इट्स ओके यार, जाने दे, चिल। वो देख गलत जूता पहन रहा है। ओ सॉरी सॉरी। अरे यार तू लंबू का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहा है मेरे भाई? यार दिस इज नॉट फेयर। अगले 10 मिनट में मेरी सगाई होने वाली है और लंबू का कुछ अता पता नहीं है। यू ऑल बेटर डू समथिंग फॉर मी। हां हां सुनो यार, झगड़ा ना करो, मैं नीचे पता करके आती हूँ, चिल।
नमस्ते रिया। मॉम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू मॉम। आई वुडन्ट हैव मिस्ड दिस फॉर एनीथिंग बेटा। मॉम, नॉट फेयर। व्हाट? मेरी एंगेजमेंट में आप मेरे से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। दैट्स नॉट फेयर। सिली गर्ल। पापा, मॉम से हो। हाय। हाय। वैसे अच्छी लग रही हैं आप। थैंक्स। लेट्स टेक अ पिक्चर। नो रिया, रियली। कम ऑन मामा। पापा, कम क्लोजर, थोड़ा सा। नाइस। थोड़ा और नीचे। लेट्स ऑल स्माइल। हर जगह देख लिया यार, वो कहीं पे भी नहीं है। अरे कोई फायदा नहीं है, फ्लाइट को लैंड हुए 2 घंटे हो गए और फोन ऑफ है। सब लोग वेट कर रहे हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात पक्की है, अगर मैंने लंबू के बिना एंगेजमेंट कर ली तो मेरा बैंड बच जाएगा। ये बैंड? अगर 2 मिनट और ना आती तो मेरी एंगेजमेंट मिस कर देती तू। अरे जब मैंने कहा था मैं आऊंगी, ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। अच्छा थैंक गॉड तू आ गई। बीजी और गुलाबो किधर हैं? यार अगर उन लोग की वेट करती तो मैं कल ही आती। हाँ हाँ। चलो ये सब छोड़ो, मेरी एंट्री कैसी लगी? एकदम तेरे जैसी। आदि की बेस्ट फ्रेंड है अनुष्का, just came from London in business class. Anushka, I'm so happy to finally see you. Oh my god, you're really hot, huh? Well, I know. I just got a good sense of humor too. Wow, beta, teri to nikal padi. Oye, Adi, teri sagai aaj hi hai. Yaad hai ki bhul gaya. Anushka, this is the office, and that's the pantry. And I'll show you Adi's cabin. Yeah, yeah. Come. Welcome. Wow. Nice, isn't it? Adi, I'm really impressed, yeah. Let me show you something. Have a look at the best looking bike ever to hit the Indian roads. 4-stroke single cylinder, DTSI engine, 450cc displacement. अपनी कैटेगरी में सबसे हल्की, सबसे पावरफुल और सबसे इकोनॉमिकल है, विद अ माइलेज ऑफ 45 किलोमीटर पर लीटर इन सिटी कंडीशंस। एंड टू टॉप इट ऑल, ये सबसे अफोर्डेबल है। इट्स नॉट अ बाइक, ये फेनोमेनन है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट, फेनोमेनन। वाओ आदि, दैट्स अमेजिंग। कुछ समझ में आया? हाँ। क्या? यही कि तू दुनिया का ना लकीस्ट आदमी है, तेरे पास इतनी हॉट बाइक है और उससे भी ज्यादा हॉट वाइफ है। सर, आपके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल है। एक्सक्यूज मी। बाय। रिया। हाँ। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। मेरे दोस्त ने जो भी सपने देखे ना, वो तुमने पूरे किए हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे थैंक्स मत कहो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ मी? क्यों? वेल, आदि ने मुझे बताया कि तुमने उसे MBA एग्जाम के दिन रूम में लॉक कर दिया था।
Are you serious? उसने तुम्हें ये बताया? अगर तुम वो नहीं करती ना तो आज वो कहीं बोरिंग सी जॉब कर रहा होता, ना वो बाइक डिजाइन करता और ना मेरी लाइफ में आता। So thanks to you. सारा क्रेडिट तुम लोग आपस में ही बांट लोगे या हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे भाई? पापा। हाय बेटा। हाय अंकल। हेलो। सारा क्रेडिट तो आपको ही जाता है ना, आपने आदि को उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। Well, hello sir. Hello young man. Oh, by the way, बाइक की लॉन्च डेट कब है? भाई आदि और रिया की शादी होते ही ये बाइक लॉन्च होगी। And this will be my wedding present to both of them. तुम शादी पे आ रही हो ना? अंकल, अगर मैं इसके घोड़े के आगे डांस नहीं करूंगी तो इसकी शादी कैसे होगी? Funny girl. Enjoy yourselves. Okay, bye. Mom का मैसेज है। She wants me to have lunch with her. जाना जरूरी है? Yes, Adi. Mom सिर्फ एक दो दिन के लिए आई है। I'll have to go. I want to go. I'll see you later. Bye. Bye. Adi. इतना भी उदास मत हो यार, ये हमेशा के लिए तेरी होने वाली है। अच्छा सुन, इसी बात पे हो जाए क्या? चलो। और बता। So good, dude. एक और मेरा। तुझे रिया पसंद आई ना? अगर मैं ना बोलूं तो तू शादी तोड़ देगा? Of course I like her, yeah. She's beautiful, she loves you, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तेरा ड्रीम पूरा करवा रही है। Really? I'm very lucky. क्या? रिया ने तुझे डूड बना दिया, अब तो तू गोलगप्पे भी टाई पहन के खाने लगा है। हीरो, ये क्या किया? You spoiled my dress. मैंने स्पेशली आज ही के लिए खरीदी थी। भैया थोड़ा पानी देना। हटा लो गया मीठा। Idiot, don't laugh. It's my birthday dress. तेरा बर्थडे कब था? था नहीं, आज है गधे। तुम्हें क्या लगता है? मैं सुबह से वैसे ही लेडी डायना बनके घूम रही हूँ। Happy birthday to you, Nick. All right, guys. बिल्कुल ऐसी सिचुएशन के लिए श्री श्री अमिताभ बच्चन जी ने कहा है। हाँ। पार्टी तो बनती है। हाय। Hey hey, what's it gonna be? If the beat's hot, then it's made for me. Do peg laga ke dil na bharare. Uh-huh. और थोड़ी पी के कर ले नशारे, दो पग लगा के दिल ना भरा रे, और थोड़ी पी के कर ले नशारे। शॉट्स चढ़ाएंगे, कॉकटेल बनाएंगे, उल्टू बुल्टू होके मनमानी करनी है। जितनी भी बोतलें हो खाली कर दी है। शैंपेन उड़ाएंगे, बियर बहाएंगे, इस जवानी को जरा दीवानी करनी है। जितनी भी बोतलें हो खाली करनी है, मुझे पार्टी करनी है। जितनी भी बोतलें हो खाली करनी है, मुझे पार्टी करनी है। बोतल खाली हो गई, फिर भी मुझे दारू ना चढ़ी। I just wanna feel nice, nice. Let's sugar more spice, spice. Ek aur shot till you full tight. Har raat bana do Saturday night. Ha ha, meri marzi hai. Mujhe bas party karni hai. Hey.
नशे में थोड़ा हम सब का इमोशन है, पियो और पीने दो बस अपना यही स्लोगन है। जश्न बनाएंगे यारी बढ़ाएंगे, जिंदगी भर यूं ही पारी शारी करनी है। जितनी भी बोतल हो खाली करनी है। जितनी भी बोतल हो खाली करनी है, मुझे पार्टी करनी है। हाय जे, I'm excited। ओए, किससे बात कर रही है? अरे जे यार। जे कौन? अरे मेरा बॉयफ्रेंड यार। क्या कह रही है? कह रही है किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। किसका बॉयफ्रेंड? लड़ गई है। इंटरनेट की उलाते हैं। अरे पीती तो मैं भी हूँ, पर मजाल है कभी आओ हो जाऊँ। ओहो, मेरे को सब पता है, मैंने कितनी बार आपकी उल्टियाँ साफ की है। ओए बाटली, तेरा क्या हुआ, कोई कूड़ी शूड़ी पटाई कि नहीं? कहाँ गुलाबो, लड़कियों को तो टेस्ट ही गिरते जा रहा है। अच्छे लड़के पसंद ही नहीं आते। अरे लड़कियों को छोड़, लड़कों के टेस्ट भी गिरते जा रहे हैं। तू अपना ध्यान रखियो, कहीं तुझे कोई लड़का पसंद ना कर ले। क्या बीजी, दुनिया के सारे बुड्ढे ना सुबह सुबह भजन करते हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे बुड्ढी होगी तेरी दादी। मेरे तो अभी गोल्डन ईयर्स चल रहे हैं। गोल्डन ईयर्स। अच्छा चलो चलो नीचे आके नाश्ता करो। बधाइयां ओए, उठ। गुड मॉर्निंग। नहीं चाहिए मुझे आपकी बधाई। क्यों? आप और बीजी क्यों नहीं आई? ओहो, परसों बीजी ने चखने में ज्यादा कबाब खा लिए थे, पेट खराब हो गया था, कैसे छोड़ के आती। वैसे ड्यूडर, मैंने सुना है कि लड़की बड़ी सोनी है, है? अरे गुलाबो, मेरी वाली तो सोनी है, लेकिन आप वाली बिगड़ गई है। कल रात पी के इतना बहक गई कि अपने बॉयफ्रेंड की कहानी सुना रही थी। तो ठीक ही तो कह रही है, तूने जे के बारे में नहीं बताया ने? मैं बस बताने वाली थी और फिर... अच्छा अच्छा बाद में बताना, चलो अभी उठो, पराठे बनाए, नीचे आओ जल्दी, उठो सब, गेट अप, कम ऑन, हरी अप। ये सब आई मीन चक्कर क्या है? सो मैं और जे कुछ महीनों से डेट कर रहे हैं। यू रियली हैव अ बॉयफ्रेंड? अरे तू क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही है? अच्छा, do you guys want to meet him? हाँ यार चलो। Oh no, I can't face jail like this यार। मैंने तो अभी तक मुंह भी नहीं धोया। अरे मुंह धो के कौन सी कटरीना कैफ लगेगी? Just shut up, okay? I'll just be back. Hello. Well, I was expecting Anushka. So you're the gang, right? Yes. मुझे अनुष्का ने तुम सब के बारे में बताया। So wait, your peta. Of course. Bartley? Yes. And you're the gorgeous Nikki, right? Oh, thanks Jay. Hum sab tumse milne ke liye bahut excited the. You know? Adika hai. Hey brother, how are you doing? Kaisi rahi engagement? It was nice. Good. And Bartley? Still a virgin? Meri virginity London mein bhi famous hai. Jay abhi tak koi nahi mili yaar. Mil jayegi. बाद में बात करता हूँ। तो कैसा लगा तुम्हें जे? आई नो देखने में कोई टॉम क्रूज नहीं है, पर वो दिखा बहुत अच्छा है। उसके कमरे में एक नंगी लड़की थी। क्या? हाँ सच कह रहा हूँ, हम सब ने देखी। सच लंबू, नंगी मतलब पूरी न्यूड। इसने भी देखा। एक तरफ तो तेरे साथ लव यू बेबी मिस यू बेबी लगा हुआ था, और दूसरी तरफ उसके साथ वेट आई एम नॉट फिनिश्ड येट। आप लोग हंस क्यों रहे हो? गाइस जस्ट चिल यार,
Jay is a painter. So? And his speciality is nude paintings. जो लड़की आप लोगों ने वहाँ देखी थी कमरे में वो कोई मॉडल होगी यार। अच्छा अच्छा। बीजी, आपको ऐसा लड़का पसंद है जो नंगी लड़कियों की पेंटिंग करता है? अरे बेटा, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि वो लड़का है। तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है यार? वो जे का प्रोफेशन है। और वैसे भी वो लंबू का बॉयफ्रेंड है, तेरा थोड़ी ना है। और कौन सा उसे शादी कर ली है? वेल, की तो नहीं लेकिन करने वाले हैं। Really? Are you serious? आदि, तो जय को भी अपनी शादी के लिए इनवाइट करना, हम सब खूब मजा करेंगे। मैं तो कहती हूँ लगे हाथ अनुष्का और जय की भी शादी करा दो। अरे इसको कोई लड़का तो पसंद आता नहीं है, अब बड़ी मुश्किल से ये लड़का पसंद आया है। हमने देर कर दी ना, ये फिर अपना माइंड चेंज कर ले। जी, आप भी क्या कह रहे हो, ऐसे ना थोड़ी सी शादी होती है। अरे तूने पहले कौन सा काम कोई सोच समझ के किया है? और क्या आदि, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हम सब लोग भी तो वहाँ होंगे और हम जे और उसकी फैमिली को बुला लेंगे। तू टेंशन मत ले। हाँ, टेंशन की बात नहीं है। अरे पुत्र, जे की फैमिली नहीं है। तो फिर तो सीधा जे से बात करना। अभी कर, सही रहेगा। अभी कर, एक्चुअली अभी कर, नाइस करना उसको। अरे यार बहुत मजा आएगा, अभी कर। रिया, थोड़ा चेंज ऑफ प्लान है। क्या तुम किसी और से शादी कर रहे हो? तुम इतनी आसानी से बचने वाली नहीं हो। यू नो, अनुष्का का एक बॉयफ्रेंड है जे। यू नो, ये लोग इतने पागल है, कह रहे कि जे को बोला तुम दोनों भी साथ में शादी कर लो। क्रेजी क्रेजी आइडिया। यस आदि, आई थिंक इट्स अ फैबुलस आइडिया, बट इट्स नॉट अ बैड आइडिया। जे, इन फैक्ट इट्स अ ग्रेट आइडिया। अगर आज तुम मेरे सामने होती ना, तो एक बार फिर I would have gone on my knees and asked you, will you marry me, Anushka? Hey, listen. Huh? Riya ko ye idea bahut acha laga. Awesome. Guys, Jay ko ye idea bilkul pasand nahi aaya. Par kyun? In fact, उसे बहुत पसंद आया। Yes. तो आदि और अनुष्का का बजेगा बैंड इन थाईलैंड। जी हटो हटो, वो जोर की लगी है। ओ ड्रिंक। सारे रास्ते कह रहे थे लगी है, आप तो शराब पे टूट पड़े। कोई शराब नहीं, वेलकम ड्रिंक है। बस मैं भी क्या बड़े वो क्या क्यों रहने तू? कर लो फिर, वाइफ नाराज हो गई। ओहो, इसे कहते हैं थाईलैंड, आते ही वोडका पेश। ओह माय गॉड, लेट्स गो फॉर शॉपिंग ब्राइट। अरे ये तो वर्जिन है। क्या बीजी, ऐसे देख के पता चल जाता है? अरे देख के नहीं, सुन के पता चलता है। लगता है अपना इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। बाकी का इंतजाम आपके रूम में है मैम। दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब आपके मिनी बार में मिलेगी। आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ द होटल लविंदर कपूर, यू कैन कॉल मी लव कपूर, माय गॉड। गुलाबू जी, मेरे नाम है जी। वेलकम टू द JW मैरियट, प्लीज। थैंक यू। जी, सुनामी के चांसेस तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सो हैप्पी यू केम। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। एक्सक्यूज मी सर, यू मस्ट बी दी ग्रूम आदित्य। जी, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट बी द ब्राइड। वो ब्राइड तो है लेकिन किसी और की, आदि की ब्राइड मैं हूं। आई एम सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, मेरी नजरों ने धोखा खा लिया। इट्स ओके, एक्चुअली यू नो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मेरा ग्रूम जे तो कल आएगा। Lovely. Well, I hope you have a comfortable stay till then. Hmm? Sure. Yes. Thank you. Right. Thank you. Sir? Thank you. Yes, sir. Do you have sandwich massage? Excuse me. Well, young man, we have sandwiches in the room service, and we have massage in the spa. So, enjoy. गधे। यार मन में एक बात आई तो पूछ ली यार। Come in. Please keep it here. Okay, sir. Hey. Hi. Wait. ये क्या कर रहे हो तुम? नहाने जा रहा हूँ। मतलब? मतलब नहाने जा रहा हूँ। You can join me.
मेरे रूम में क्यों नहाने जा रहे हो? क्यों नहीं? Are you thinking you'll stay in my room? Of course. No way. अपना सामान लो और निकलो यहाँ से. रिया लेकिन. Are you crazy? मम्मा पापा कभी भी आ सकते हैं. मैं उनकी बेटी से शादी करने वाला हूँ. हाँ लेकिन शादी में अभी कुछ दिन बाकी हैं. उसके बाद जितना मर्जी रह लेना. लेकिन अभी just go. अरे अपने होने वाले हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव कर रही हो? ऐसे बिहेव कर रही हूँ. आदि. अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ. जाने से पहले एक किस तो दे दो. No आदि, just go. अरे ये क्या हुआ? क्या? आदि, you're so cute. कहाँ है यार? ओ स्वीटी, फ्लश कितने है यार? आजकल सेंसर होते हैं, नल के नीचे हाथ रखोगे तो पानी निकलेगा. ऊपर यहाँ क्या रखूं? मेरा सर रख दो. हाय रब जी, ये क्या दे दिया मुझे? आ रही हूँ. ओए यार तू भी कमाल है. सेंसर. आप दोनों एक साथ बाथरूम में क्या कर रहे हो? ओए हम दोनों गुल्ली डंडा खेल रहे हैं. पर तेरे को तो दरवाजे पे नॉक करके आना चाहिए था ना यार. क्यों, आप कौन सा हनीमून पे आए हो जो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे? लो ये देख लो, अभी शादी हुई नहीं, अभी से इतने सवाल जवाब. शादी होने के बाद भी पता नहीं क्या हाल होगा. ओए मेरा पुत्र है, शादी के बाद भी अच्छा ही करेगा. देख भाई आदि, तेरा ससुर है ना मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर होगा, लेकिन हम सोटीज भी है ना कम नहीं है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तेरे पापा. रिया से डरना मत. हाँ अरे मॉम, मैं पापा की तरह डरपोक थोड़ी हूँ. बदमाश. अभी तू चौड़ा हो रहा है, शेर बन रहा है, लेकिन हनीमून खत्म होते होते तू चूहा ना बन जाए ना तो मेरा नाम बदल देना. वैसे हनीमून से याद आया, यार ये जगह है ना रोमांटिक बहुत है, तो मैं तो कहता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. मॉडर्न जमाना है, शादी से पहले ही ना 1 2 3 कर डाल. रिया को ये सब नहीं चलता है पापा. ओए होए, इसका मतलब है तेरे दिमाग में पहले से चल रहा ही है. और ये हुई ना सोनियो वाली बात. आजा पुत्र जफी बोले. मैंने कहा जी, ये क्या सिखा रहे हो आप पुत्र को? ओए वो सिखा रहा हूँ जो मैं खुद नहीं सीख पाया आज तक. ओए चल फैमिली जफी पाओ. गुलाबो, ये क्या कर रही है? I'm so excited. मुझे कभी नहीं लगा था सिर्फ पटाक से शादी हो जाएगी. हाँ, तेरी हरकतों से भी नहीं लग रहा है कि तेरी शादी होने वाली है. अच्छा एक बात बता, तेरी तैयारी शारी हो गई है ना? भी मॉम डैड को बहुत मिस कर रही है ना आज. मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ. यू नो, अगर वो लोग यहाँ होते ना तो इतने एक्साइट. क्यों, मुझसे कोई कमी रह गई पुत्र? नहीं गुलाबो. तो एक बात बता, तुझे याद है तेरी बचपन की पहली सहेली कौन थी? तू. और तेरे सबसे ज्यादा नखरे किसने उठाए? तूने गुलाबो. और तुझे याद है तुझे पहली बार विस्की किसने चखाई थी? ऑफ कोर्स तू ही हो सकती है. I'm sorry. You're the best. देख, आज के बाद ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाना. मेरा दिल दुखता है ना तो मुझे दवाई की जरूरत पड़ती है. क्या, कौन सी दवाई? Oh my God, Gulabo, you are too much. You want? I love you. I love all this. So pretty. Oh, Gansu, ये जो तेरे रविंदर है, ये शुरू से ही ऐसा था कि अब जाके ऐसा हो गया? क्या मतलब? वो माइंड ना कर. मेरे को शक्ल से ना जरा हफ्सी टाइप लगता है. मेरे को डाउट है कि फर्स्ट रात को इसने तुझे बहुत तंग किया होगा, है ना? बता रे सच सच. जी ना, कुछ भी नहीं कर पाया बेचारा. हाय के पीके टाइप था. नहीं नहीं, वो रात को मेरे पास आया तो मैं रोने लग गई. मेरे को मुझे मम्मी जी के पास जाना है. वो सारी रात मुझे चुप्पी कराता रहा.
कभी अपनी सुहागरात की फ्रस्ट्रेशन अभी तक निकालता फिर रहा है। ओ बीजी, आप भी ना। बीजी, आपके टाइम पे तो अलग होता होगा ना, मतलब तब हनीमून पे जाते थे लोग? अरे जाते वाते कहीं नहीं थे, जहाँ मौका मिलता था वहीं हनीमून मना लेते थे। बीजी तो माय गॉड, ये लोग कैसे ओपनली अपने हनीमून की बातें कर रहे हैं? लाइक आई एम नॉट गोना टेल देम कि मेरे हनीमून पे क्या होगा, यू नो। ओ रियली? जैसे हम लोग को तो पता ही नहीं तुम्हारे हनीमून पे क्या होने वाला है। सॉरी। अच्छा स्वीटी, हाँ जी, तू कहाँ गई थी अपने हनीमून पे? मैं जी गोवा गई थी। हाय, क्या क्या देखा? मैंने गोवा में कुछ भी नहीं देखा। क्यों? बस सीलिंग फैन देखकर वापस आ गई। Guys, आज मैंने एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लान बनाया है। क्या? ये कौन सा प्लान है जो मेरे बिना बन रहा है? अरे यू आर आल्सो पार्ट ऑफ इट, हम सब लोग जा रहे हैं डीप सी डाइविंग। वन मिनट, मैं नहीं आ सकती। क्यों? Why? मुझे गहरे पानी में डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ द सी आदि। व्हाट? आदि, यू डिडंट नो रिया को गहरे पानी से डर लगता है? हम कौन सा साथ में ना आते हैं जो मुझे पता होगा? आई एम सॉरी रिया, चलो ना, हम सब साथ होंगे। नो, आर यू श्योर? यस बेबी। अरे यू गाइस गो एंड यू हैव लॉट्स ऑफ फन। यस, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय। तुम सब लोग जल्दी आ जाओ, मैं अनुष्का को लेकर उधर आता हूँ। डन। अनुष्का कहाँ है तू? आप जस्ट कम इनटू द लॉबी। मैं भी लॉबी में हूँ। तू ठीक तो है ना? हाँ। तो फोन काट। मैम, योर कार इज रेडी। थैंक यू। अनुष्का, क्या तू कहीं जा रही है? हाँ। अरे मैंने तेरे लिए डीप सी डाइविंग का प्लान बनाया है, पूरा गैंग वेट कर रहा है। आई कांट कम यार, मैं तो जेको पिकअप करने जा रही हूँ। ओए होए, बड़ी हॉट लग रही है। थैंक यू यार। अनुष्का, यू लुकिंग लाइक अ वुमन। बट तू इन कपड़ों में पानी में कैसे कूदेगी? ये पानी में नहीं कूद रही है। अरे क्यों? She's not coming with us. What? Why? अरे क्यों, क्या जे आ रहा है, मैं उसी को तो पिकअप करने एयरपोर्ट जा रही हूँ। जे को पिकअप करने के लिए एक कार भेज देते हैं। जे कार से नहीं, मेरे साथ शादी करने आ रहा है। अनुष्का भी नहीं है, प्रिया भी नहीं है, क्या यार? आइडिया, क्यों ना हम सब साथ चलते जे को पिकअप करने। व्हाट एन आइडिया। अनुष्का, डू यू माइंड? ऑफ कोर्स आई माइंड, वी डोंट केयर। चलो गाइस, लेट्स गो। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अरे ये क्या? अनुष्का, टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। अरे ये बोर्ड क्या है? आई डोंट नो। अरे नाम तो तेरा ही लिखा है। क्या तुम लोग मेरे पे कोई प्रैंक खेल रहे हो? नो वे, तू शादी करी है, इससे बड़ा प्रैंक क्या होगा? आई थिंक वी शुड फाइंड आउट। लेट्स गो। हाँ यार, कुछ ड्रामा है। पहले लेफ्ट, अब राइट, हो क्या रहा है? अनुष्का, टर्न लेफ्ट यार। इतने सारे बलून्स, सॉलिड ड्रामा है। जे? ओह माय गॉड। अरे चल उतर, बाटली उतर, उतरना। जे! अनुष्का। This is so special. Well, it is for my most special lady, my most beautiful. How sweet. पर तुमने ये सब अरेंज कैसे किया? एक जीनी की मदद से। That I should have guessed. Thank you. Oh, this is called love. This is called love at first sight. अरे first sight नहीं, second sight. ये तो वही sky पर ही लड़की है यार। अरे
तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? आके जे से तो मिलो। हाय जे, क्या हाल? How was the flight? Hi जे। Hi but finally, yeah finally. But those are my friends Derek, Paula and Roxy. Hi. Roxy. Hi. Hi. I love you. चलो धक्के से लेकिन start तो हुआ। I love you. How's Gulabo? She's good. Let's go meet her. Let's go. Let's go to the hotel. Yeah, Nice guy, huh? What do you say, sir? Your arrangement was fantastic. Well, thank you, sir. Excuse me. डांस के लिए कौन सा गाना सिलेक्ट किया आपने? मैं कह रही थी अपना वो पुराने वाला गाना करा दो। आजकल तेरी मेरी प्यार की चर्ची हर ज़बान पर। क्या सिलेक्शन है तेरी? थैंक यू। याद है तेरे को? लो जी, याद कैसे नहीं होगा? मैं ना सारा टाइम मुमताज का हेयर स्टाइल देख रही थी, ऐसे टाइम का। और मैं ना उसकी टाइट साड़ी को देख रहा था। नहीं, टाइट था ना इस करके। कितने प्यार से पापा को डांस सिखा रही है। यू नो, इतनी प्यार से शादी के बाद तुझे भी नचाने वाली है। तू मेरी टेंशन छोड़, अपने उस अंग्रेज को बोल के आके डांस रिहर्सल कर ले। जे को रिहर्सल की जरूरत नहीं। ओके, अच्छा? जब मैं और जे डांस फ्लोर पे आएंगे, ऐसा जलवा दिखाएंगे कि सबकी छुट्टी हो जाएगी। अरे नहीं होता मुझसे यार, नहीं होता। पापा, मम्मा ने सारे स्टेप सीख लिए, वो आपसे बेटर डांस करेगी, तो विल यू बी एबल टू टेक इट? व्हाट, तुम्हारी मॉम भी डांस करेगी? आपके साथ? ये जरूर उसी का आइडिया होगा, हमेशा से मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। पापा, ये मेरा आइडिया है। बेटा, अकल के मामले में मैं समझता था कि तुम मुझ पर गई हो। प्लीज बातें बंद हो, डांस शुरू। कम ऑन, राइट टू लेफ्ट। ओके, मॉम डांस करिए, फिर तो करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, अगेन। बटली, जरा ध्यान से सिखाना। हाँ हाँ बीजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन बाय अप्लॉडिंग द टू लवली कपल्स जिनकी शादी के लिए आप लोग आए हैं, आदि एंड रिया। कांग्रेचुलेशंस गाइस, अनुष्का एंड जय। थैंक यू पीपल, थैंक यू। किसी शायर ने कहा है कि शादी शराब की तरह होती है। क्या बात है, जितनी पुरानी होती है उसका नशा उतना ही बढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी। भाई मेरे हिसाब से तो शादी एक चुंगम की तरह है कपूर साहब। जिसे शुरू शुरू में खाओ तो बड़ी मीठी लगती है, लेकिन बाद में ना रबड़ बन जाती है, खींचते रहो फिर। चलिए देखते हैं आपके चुंगम में, आपकी मैरिड लाइफ में कितनी मिठास बाकी है। यही तो पार्टी की थीम है कि आप अपने पार्टनर के बारे में कितना जानते हैं। सो मिस्टर सोडी, बताइए ना, आपको स्वीटी जी के साथ अपनी पहली मुलाकात याद है? ओ याद है कपूर साहब, अच्छी तरह याद है। स्वीटी ने उस दिन ना रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि ये खतरे का सिग्नल है। ओ लॉर्ड, मिस्टर कुमार, या जब आप अमृता जी से पहली बार मिले थे तो वो कैसी लग रही थी? ओ मिस्टर कपूर, ये क्या पूछ लिया आपने? कुछ बिजनेस रिलेटेड पूछ लिया होता है तो ये झट से जवाब देते, लेकिन हमारी पहली मीटिंग कहाँ याद आएगी इन्हें? वेल, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। सफेद ड्रेस पहना था, बाल खुले हुए थे, माथे पे बिंदी और हाथ में लाल पर्स। अगर आप बुरा ना माने मैम, हाय, आपको अपना पहला वाला प्यार याद है? पहला छड़ो, लेटेस्ट याद है। अभी कुछ ही टाइम पहले एक बहुत ही हैंडसम बंदे ने मेरे कान में कुछ कहा था। उसके गोरे गोरे रंग पे काला सूट क्या जच रहा था, और उसकी पूरी आंखें जैसे बिस्की के दो पैग,
और उसकी टाई पे जो प्रिंट था ना। मिस्टर जय, आप क्या कह रहे थे? जी नहीं। ओए लव, मेरी बात पूरी नहीं हुई है? जी हाँ, पूरी नहीं हुई है, बट लेकिन मिस्टर जय, आप क्या कह रहे थे? शाइन क्यों? आप बताइए अनुष्का जी के बारे में कुछ जो हमें नहीं पता। I'm not good with words. Come on, sir, you can. बोल पुत्र। मैं सिर्फ एक पेंटर हूँ गुलाबो, पर आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। क्या बात है? अनुष्का के दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं है, और ये बात मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। लेकिन अगर एक बार इसने आपको अपने दिल में जगह दे दी, then you're locked there forever. Oh, that's brilliant, brilliant, sir, brilliant. Well, Miss Ria. Yes. आप मिस्टर आदि के बारे में कोई खास बात जानती हो that you would like to share with us? Me? No. Come on, Ria. Please, come on. अरे बोलो यार। आदि, आदि में बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज हैं। He's very polite. He's very generous, very helpful. और हाँ, सबसे बड़ी बात, वो बहुत 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 इंटेलिजेंट है। In fact, he's a genius. Wow. Yeah. Well, great. Good going. Thank you, ma'am. Listen. Attention, please. आदि के बारे में ये सब बातें तो हम सब जानते हैं, है ना? हाँ. लेकिन एक बात है जो सिर्फ मैं जानती हूँ। कौन सी? बता बता बता। बता भाई बता, ताकि हमको भी तो पता चले क्या हिडन टैलेंट है हमारे पुत्र में। You're gonna love it. Okay. So, हम सब जानते हैं कि आदि is a fabulous dancer, है ना? Yes. लेकिन आदि कोई रेगुलर डांसर नहीं है। ही इज द बेस्ट कैबरे डांसर। कैबरे डांसर्स तो बड़े क्यूट होते हैं। आहो जी, आपने तो बहुत कैबरे देखे हैं। अरे मैं सच कह रही हूँ। यू नो, जब कॉलेज में रैगिंग होती थी ना, तो आदि कमाल का कैबरे करता था। कम शो अस। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल। आप तो कह रहे थे कैबरे नहीं आता। ओ यार, देख के तो कर सकता हूँ। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यार, संभलना मुश्किल हो गया। हाय, अगर आप किसी का इंतजार नहीं कर रही हैं तो क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ?
मैंने बहुत पहले इंतजार करना छोड़ दिया। प्लीज सिट। अच्छी लग रही हो। अच्छी तो मैं हमेशा लगती हूं, शायद ध्यान से अब दिखा है तुमने। No, I mean it. शायद मुझसे दूर जाने के बाद तुम और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। थैंक यू। तुम भी बुरे नहीं लग रहे हो, शायद थोड़ा वेट बढ़ गया है। क्यों, कोई डाइट कंट्रोल करने वाली नहीं है आपकी जिंदगी में? तुम थी तब डाइट भी कंट्रोल हो जाती थी और लाइफ भी। लेकिन तुम्हें तो हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए था। फैमिली को भी एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाना चाहते थे। और तुम जैसी प्रोग्रेसिव औरत को कैसे मंजूर होता कि घर के फैसले कोई और करे? नहीं, जैसे 5 साल की रिया को बोर्डिंग में भेजने का फैसला। ऐसा करते वक्त तुम्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि जहां एक तरफ तुम्हारे लिए तुम्हारी बिजनेस की जिंदगी और पेज 3 का स्टेटस इंपॉर्टेंट था, वहीं मेरी जिंदगी के लिए सिर्फ रिया इंपॉर्टेंट थी। यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग मी अवे कुमार। अमृता प्लीज, तुम दोनों के घर से जाने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनते। लेकिन अपने ईगो की वजह से मुझे कभी वापस बुलाने की कोशिश नहीं की, राइट? वो सब मैं नहीं जानता अमृता, लेकिन I missed you terribly. Did you miss me? शायद तुमसे ज्यादा। Scarlet. My favorite color. और जो हमारी बेटी होगी उसका नाम भी। बेटी है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी जितनी सुंदर होगी। जी, am I really that beautiful? Of course, सर से लेके पांव तक। You have the most beautiful feet in the world. I love you, Jay. क्या हुआ? Hey, what happened? I'm sorry, but ये आदि पागल। तुम्हें पता है जब उस दिन उसने कैबर किया था ना, उसके बाद मुझे आके कहता है, तुझे पता है ना कि अगर तू जय से शादी करेगी तेरे घर में हमेशा नंगी लड़कियां घूमेगी। What the hell? I will do this every day after marriage. What? But I love you. क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हो? पार्टली ने अभी अभी रॉक्सी को 9th टाइम प्रपोज किया है। 11। सो व्हाट रॉक्सी बेबी, आई लव यू। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अनुष्का कहाँ है? शी वेंट विद जे टू द वाटरफॉल। गेस दे वांट टू स्पेंड सम टाइम अलोन। Hi Jay. Oh, hi guys. तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
हम तुम लोग को डिस्टर्ब करने आए यार। हम लोग को लगा जे तेरी ऐसी वैसी पेंटिंग तो नहीं बना रहा है। ए, लुच्चे। वाव, बड़ी कमाल की जगह है। आदि सोच क्या रहा है, चल जाते। One, two, and three. अच्छा लम्बू, बड़ी जल्दी आ जा, चल भाग भाग। ए जे, चल ना यार। No no no, you carry on. बेटा आ जा। पागल हैं सब किसे? और तुम्हारा यही पागलपन मुझे पसंद है। मॉम, आप डैड के कमरे में क्या कर रहे हो? बेटा, आई जस्ट लिसन टू मी। मैं सोच रहा आप लोग ऐसे मिलते रहे और मुझे बताया तक नहीं। नो बेटा, ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली इवन वी डोंट नो। व्हाट डू यू मीन मॉम? बेटा लुक, रिश्ते बहुत अजीब होते हैं बेटा। अगर हाथ छूट भी जाए ना तो रिश्ते नहीं टूटते हैं। यू नो व्हाट, योर मॉम एंड आई केम हियर फॉर योर वेडिंग। हम यहाँ पे मिले एंड वी रियलाइज्ड कि हमने सिर्फ ईगो के वजह से अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल अलग अलग काट दिए। बट वी लव ईच अदर। अगर आप लोग अपनी ईगोस का हिसाब किताब पहले खत्म कर लेते तो मुझे आप दोनों का प्यार ऐसे टुकड़ों में नहीं मिलता।
सॉरी बेटा, वी आर सो सॉरी. डोंट बी सॉरी. आई एम हैप्पी. हे, जस्ट कम हियर. आई लव यू. वी लव यू बेटा. टिमी, डू वी स्टिल लुक गुड टू टुगेदर? द बेस्ट कपल ऑन अर्थ एवर. लव यू. जीजा कले क्यों आया वे तो अजदी कड़ी. जीजा कले क्यों आया वे तो अजदी कड़ी. नाल पड़ा बुले आया वे तो अजदी कड़ी. हाय, दिन कितनी जल्दी जल्दी बीत गए. अभी तो तू लंदन से आई थी और अब तेरे लंदन वापस जाने का टाइम आ गया. हाँ, लंदन वाले से शादी जरूर कर रही है तू, लेकिन वहाँ जाकर हमारे रीति रिवाज और शादी के सात वचन निभाना मत भूलना. मॉम, ये कौन से सात वचन के बारे में बोल रही हैं? लो, सात फेरों के सात वचन बेटा, जिसमें हस्बैंड वाइफ प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देंगे और सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे. पर आदि की बेस्ट फ्रेंड अनुष्का है. हाय रब्बा, वो तो शादी से पहले ना. शादी के बाद आदि तेरा बेस्ट फ्रेंड होगा और अनुष्का का बेस्ट फ्रेंड होगा जे. समझी? मैं अभी आती हूँ. ओके, आई विल जस्ट कम. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. बोलो. आज मैंने लाइफ में पहली बार एक फास्ट रखा है, वो भी करवा चौथ का. रिया, यू एक्चुअली बिलीव इन ऑल दिस? हाँ, मुझे हर जन्म में आदि चाहिए. ओके, लिसन, ये बात आदि को मत बताना प्लीज. आई वांट दिस टू बी अ सरप्राइज फॉर हिम. इनफैक्ट मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, मॉम को भी नहीं. बट लिसन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. तुम व्रत तोड़ने के टाइम पे प्लीज आदि को पूल साइड पे लेके आओगी? रिया, ओह माय गॉड, नो, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस. अनुष्का, प्लीज प्लीज मना मत करो. एक तुम ही हो जिसके साथ आदि कहीं भी चलाएगा. वो तुम्हारी बात कभी नहीं डालता अनुष्का. रिया, दिस इज सो सिली. अनुष्का, कम ऑन प्लीज, फॉर आवर सेक, प्लीज 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 प्लीज, जस्ट से यस. ओके ओके, थैंक यू. So I'll call you when we're ready, okay? Yeah. Thank you. Adi ki best friend Anushka hai. Hai Rabba, wo to shaadi se pehle na. Shaadi ke baad Adi tera best friend hoga. Ab lagan lagi ki kariye. अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी ना जी सकिए ना मरिए. अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी.
सुनो हमारी बहनों, आए रात दिने नहीं चैनो, तुम सुनो हमारी बहना, आए रात दिने नहीं चैनो, बुला पई मुसीबत भारी, कोई करो हमारी कारी, ये हो जी है दुख कैसे झरिए, झरिए अब लगन लगी की करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी की करिए, अब लगन लगी। अरे आपके हस्बैंड नहीं आए? जी सकिए रिया। हाय, गुड मॉर्निंग। लिसन, आई एम रियली सॉरी अबाउट लास्ट नाइट, यू नो एक्चुअली मैं बहुत जल्दी सो गई एंड दैट्स व्हाई आई मिस्ड योर कॉल्स। अरे अच्छा हुआ तुमने मेरे कॉल्स नहीं रिसीव किए। जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? जब तुमसे बात नहीं हुई ना, तो मैं खुद ही आदि को ढूंढते हुए उसके रूम में चली गई, एंड ही वाज शॉक्ड टू सी मी फुल तैयार एंड ऑल। ओह नाइस। नाइस नाइस हैपेंड आफ्टर दैट, जब मैंने उसे बताया कि मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। ही वाज सो हैप्पी टू हियर दैट। उसने अपने हाथों से मुझे जूस पिला के मेरा फास्ट तोड़वाया। कैन यू इमेजिन आदि डूइंग ऑल ऑफ दैट? इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल नाइट ऑफ माय लाइफ एंड ऑल थैंक्स टू यू। आई एम सो हैप्पी। अरे लड़कियों, ये हनीमून के प्लान वैन बाद में बनाना, पहले आके हमारे साथ अंताक्षरी खेलो। कम ऑन। अनुष्का, you're on the wrong side. तुम मेरी टीम में हो। Come on, fast. Come, come, come. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। जाने किस डगर है चला ये मन बावरा, नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा, झूठे शमा के जैसे जलूं।
बाटली पुत्र जी, ये तेरी आंटी है ना स्वीटी, वंडरफुल पर्सन, पर कभी कभार छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है यार। लास्ट ईयर मेरी एनिवर्सरी के ठीक एक महीने पहले बहुत ही छोटी बात पे नाराज हो गई यार। क्या हुआ था भाई? मेरा किसी से अफेयर हो गया। मैंने सोचा वाइफ है, प्यार करता हूँ तो सबसे पहले उसे ही बताना चाहिए ना। तो भाई मैंने बताया और उधर वो नाराज ही हो गई, पता नहीं क्यों। चीयर्स कुमार साहब। मेरी खुशी है ना बर्दाश्त ही नहीं होती उससे। कम कम। Hey. हेलो जे, क्या करते हो तुम? आया अंकल, जे इज ए न्यूड पेंटर। न्यूड पेंटर? हाँ। इधर आ, खड़ा क्यों है वहाँ पर है? अच्छा भाई वो मतलब आधी न्यूड की पूरी न्यूड? नहीं नहीं अंकल, इसका मतलब है आई पेंट न्यूड मॉडल्स। ओहो वही तो। वो राजे, ए गुलाबो, जे स्वीटी इधर आओ जी। बधाई हो, लड़का अच्छा है। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है ही इज ए पेंटर। वाह सच? ओए जय, कभी मेरी भी पेंटिंग बना। क्या हुआ? तैयार हो, पार्टी में नहीं जाना तेरे को? ओ पेंटिंग बनाने चलिए, चल 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 ऐसे से पेंटिंग। हाय। hey, बहुत अच्छे लग रहे हो यार। थैंक्स। अनुष्का ने बताया कि आज डांस फ्लोर पे आग लगाने वाले हो। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। क्यों? लंदन में काफी लड़कियों को नचाया होगा तुमने। वेल वो तो है, पर यहाँ की सिचुएशन अलग है। लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की मिली है जो मुझे अपने इशारों पे नचाती। ओ जे आदि, ओ सीढ़ियों पे खड़े खड़े गंडेरियां चूस रहे हो यार। ओ भाई संगीत का माहौल है भाई, ओ म्यूजिक बजाओ, डांस करो यार। सही कहा। वाह, वेलकम बेटा। सड़के सड़के जान दिए मुटियारे नी, कंडा चुबा तेरा पैर बाकी नारे नी। अपनी लव स्टोरी बने, बिगड़ी सी बात आज
तुझे लगता है इन दोनों के बीच में कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। मैंने कुछ कहा ही नहीं तो तुझे कैसे पता चला मैं क्या कहने वाला था? Excuse me, ma'am. May I get you a chair? No. Well, thank you. Sure. Pardon me, ma'am. हमने हमेशा चांद का यही चेहरा देखा है। आपने कभी चांद का दूसरा चेहरा देखा है? नहीं तो? मैंने भी नहीं देखा कभी। और मैंने ये भी नहीं देखा कि संगीत की रात दुल्हन अकेली में कुछ सोच रही हो। ऐसा तो तभी होता है जब लव स्टोरी में कोई ट्विस्ट आ जाए। यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि लव स्टोरी है किसकी। इट्स सो फनी। लेकिन आप इतनी रात तक यहाँ क्या कर रहे हैं? सोए नहीं? दो किस्म के लोग नहीं सोते रात को। एक वो जिन्हें मोहब्बत हो गई हो और एक वो जिन्हें मोहब्बत का भी हासिल न हो। लेकिन इतने फिलोसॉफिकल बातें सिर्फ एक तरह के लोग करते हैं जिन्हें मोहब्बत हासिल नहीं होती। Am I right? You know, आप खूबसूरत हैं, intelligent भी, and that's a lethal combination. आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और जिद्दी भी। Well, मैं अब एक वक्त था जब मैंने भी मोहब्बत की थी। I knew it. और वो भी आपसे प्यार करती थी। Yes, of course. तो फिर आपकी लव स्टोरी अधूरी क्यों रह गई? मैंने उसे पाने में देर कर दी। जब तक मैं दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करता, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी। एंड देन आई रियलाइज कि सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता, अपने प्यार को हासिल करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। Have a good night, ma'am. Hello. Good morning. Hi. Can you please connect me to room number 550, Aditya's room? Sure, ma'am. आदि कहाँ है? अच्छा हुआ तू आ गई। चल चल जल्दी अंदर आ। सवेरे से ना इतना स्यापा पड़ा हुआ है कि मैं तुझे क्या बताऊं है। और तुम भी कुछ कर लो। हाय रब्बा। ये ले पुत्र। ये क्या है? ये रिया की सुहाग की पिटारी है। आंटी। ए खुशी मिठाई के डब्बे रख दिए ना। जल्दी करो। आदि कहाँ है? हाय हाय वो यहाँ क्यों होगा? वो तो नीचे है ना, लॉन में फंक्शन शुरू होने वाला है, तो जल्दी से मेरे साथ चल। नहीं आंटी, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? I mean, मैं तो ठीक से तैयार भी नहीं हूँ। पुत्र
तुझे तैयार होने की क्या जरूरत है? तेरे सुहाग की पिटारी थोड़े है। ओए होए जल्दी करो बहुत देर हो रही है। हाँ, तू भी जल्दी चल। हाँ जल्दी की छिपी का लोटी डोली को सजाओ कि बारात आ गई। लोटी दुल्हन के जाने की हो रात आ गई। लोटी अखियां भिगाने वाली बात आ गई। लोटी चकना दी देखो चौगात आ गई। लोटी डोली को सजाओ कि फिर रहा ओ बन जा रे ठहर जा रे ओ बन जा रे ठहर जा रे। क्यों गई आदि? तुम खुश तो हो ना? क्या मतलब तुम खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी के सारे ड्रीम्स जो पूरे होने जा रहे हैं। खुश हो तो फिर स्माइल करो ना। I'm confused. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपना कंफ्यूजन किसके साथ शेयर करूं। Sir, pardon me if I may say so. आपको तो सारी बातें रिया मैम के साथ शेयर करनी चाहिए। After all, आप उनके साथ शादी करने जा रहे हैं। क्यों क्या हुआ? You're not comfortable with रिया मैम? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? You like her, don't you? Of course. She's beautiful, caring, अच्छी फैमिली से है, my parents like her. उससे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी? But do you love her? Yes. I think so. I thought so. I don't know. I'm really confused. अच्छा चलिए सर एक बात बताएं। आपके लाइफ में वो सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स कौन से हैं? मिस्टर कपूर, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है और आप हो कि मेरे साथ केबीसी खेल रहे हो। सर, मैं तो आपके सवालों का जवाब ढूंढने में आपकी मदद कर रहा हूँ। चलिए बताइए, आपकी जिंदगी में वो कौन से बेस्ट मोमेंट्स हैं? सोचिए। वेल, आई कांट फॉरगेट द डे। और फिर केक काटने के बाद वो मोमेंट जब मैंने लाइफ की पहली बियर टेस्ट की थी। Hey!
इतना पागलपन तो सिर्फ अनुष्का ही कर सकती थी। अरे ये तो गया बाटली। टेस्ट टेस्ट में आप वो 3-1 लीटर पी गए। वाह चलिए आगे बताइए और कौन से। वो मोमेंट जब मैंने लाइफ की पहली बाइक ली थी थैंक्स टू अनुष्का। हाँ तो दोस्तों मुक्केबाजी कंपटीशन में स्वागत है। यहाँ जीतने वाले मुक्केबाज को मिलेगी एक नई बाइक मिल जाएगी तुझे। और दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि हारने वाले मुक्केबाज को भी मिलेगी जबरदस्त मार के साथ साथ एक नई मोटरसाइकिल। मतलब बंदा और पिटने के बाद वो फर्स्ट बाइक राइड का मजा। यस कम ऑन लेट्स गो। और वो मोमेंट जब अनुष्का ने मेरे हर मोमेंट को सपने की तरह बदल दिया था और अचानक एक दिन छोटी सी बात पर वो झगड़ा करके लंदन चली गई। अब सही पता चला ना तुम्हें? यस अनुष्का एब्सोल्युटली। सोच में हूं जरा ये क्या हो गया, लग रहा है मुझे सब नया नया हो जाने। इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया। हो जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया। खुल गया आप ही तू वो राज है। हो जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया। खाबों ने गुजारिश की, आंखों ने शिकायतें की, नींद आई ना आए, सांसों ने सिफारिश की, दिलों ने हिमाकतें की, हुई इंतहा है। दिल को लिहाजा प्यार हो गया हो, दिल को लिहाजा प्यार हो गया। जैसे होठों पे हल्की सी आई हंसी लेकिन आंखें ये गीली हो, तू है वो आंसू छड़िया। हाँ वैसे नादा हूँ हैरा हूँ थोड़ा परेशान हूँ, समझाऊँ क्या खुद को, हंस दूँ या रो दूँ जानिया। हाँ जागी इन ख्वाहिशों को कैसे मैं सुलाऊं जानिया। हाँ जो भी हो रहा है कैसे मैं छुपाऊं जानिया। हो जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया। हो जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया। आंखों ने गुजारिश की, आंखों ने शिकायतें की, नींद आई सिफारिशें की, दिलों ने हिमाकतें की,
हेलो हाय, क्या कर रही हो? रेडी हो रही हूँ, जे ने डिनर पे बुलाया है। ओके, क्या तुम मुझे मिल सकती हो? आदि, मैंने अभी तो कहा ना कि मैं जे के साथ डिनर पे जा रही हूँ। लेकिन मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज। मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम मेरे पास भी नहीं है। प्लीज मुझे तुमसे कुछ कहना है। जाने किस डगर है चला ये मन बाबरा, नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा, झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे, कैसी सजा है या खुदा, क्या नसीबा चाहे। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तू ही बता। आदि, जो बात कहने के लिए बुलाया है ना, इट बेटर बी इम्पोर्टेंट। काफी दिनों से कंफ्यूजन दिल और दिमाग के बीच में था। जो दिमाग कहता था उसे दिल नहीं मानता था, और जो दिल कहता था। लेकिन अब लेकिन किसी एक की बात तो सुननी पड़ेगी ना आदि। आज मुझे जो कहना है उससे इंपॉर्टेंट शायद कुछ भी नहीं हो सकता। अनुष्का, जब दो लोग प्यार करते हैं और मिल नहीं पाते, तो कभी सितारों को ब्लेम करते हैं, तो कभी जमाने को, तो कभी सिचुएशन को। लेकिन प्रॉब्लम कहीं उनके अंदर ही होता है। आज मुझे रियलाइज हुआ, जब दो लोग प्यार करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से फौरन कह देना चाहिए, नहीं तो क्या आदि, नहीं तो वो मोमेंट निकल जाता है, फिर वापस कभी नहीं आता। अनुष्का, हेलो। हेलो जी, कुमार सर। कहाँ हो तुम? मैं बस अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं कुछ खास नहीं कर रहा था। ओके आदि, एक बात करनी है तुमसे, बाकी मुझे मिल सकते हैं? जी ऑफ कोर्स, मैं अभी आ जाता हूँ। गुड। ओके सर। क्या नसीबा चाहे, तू ही बता है अनुष्का, क्यों जुदा है रहे। अनुष्का, तू ही बता है, झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे, कैसी सजा है। It's over. तुम्हारा वेट करते करते पूरी पी गया। तुम्हें बहुत इंतजार करवाया ना मैंने? Not really.
अनुष्का, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई, और ये भी नहीं पूछूंगा कि किस बात से तुम इतनी परेशान हो, क्योंकि मैं जानता हूं। अनुष्का, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो छुपाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि ना तुम छुपा पा रही हो ना मैं। What do you mean, Jay? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार नहीं किया है, जिया है तुम्हें। I have lived you. I love you with all my heart. खुशियाँ मिली भी तो इस तरह के मुँह फेर के थी खड़ी। मैंने हाथ जो मिलाया तो बस वो मिलते ही रो पड़ी। जितने सहारे हैं बेबस बेचारे हैं, कि क्या खता है या खुदा, क्या नसीबा चाहे तू ही बता। है विस्की? नो सर। सर, कब तक तुम मुझे सर बुलाते रहोगे भाई? डैड बोलने की आदत डालो। जी डैड, आपने मुझे किसी खास काम से बुलाया? क्या है कि हमारा रिश्ता अब जिंदगी भर का रिश्ता बनने जा रहा है। मैं तुम्हारे बारे में तो काफी कुछ जान चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में भी कुछ जान लो। देखो बेटा, मैंने जिंदगी में ना सब कुछ अचीव किया है, एवरीथिंग, लेकिन सिर्फ एक चीज का मलाल है मुझे कि अमृता और मैं रिया को अपना प्यार नहीं दे पाए जो वो डिजर्व करती है। अपनी गलती का एहसास है मुझे, और इसलिए अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ रिया है, उसकी खुशी है, और उसकी खुशी तुम हो। वो ये समझती है कि तुम सारी जिंदगी उसे बेइंतहा प्यार करोगे और खुश रखोगे। तुम प्यार तो उसे करते हो, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि तुम अपने दोस्तों को थोड़ा ज्यादा प्यार करते हो। जी मैं समझा नहीं। आती देखो, मैं चाहता हूं कि तुम रिया को इतना प्यार दो कि वो अपना पास्ट भूल जाए, और रिया तुम्हें इतना प्यार दे कि तुम अपने दोस्त भूल जाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जी समझ गया। गुड, मैं जानता था तुम समझ जाओगे। अनुष्का, अनुष्का क्या हुआ? पुत्र दरवाजा खोल। ओ पुत्र पता बात क्या है? अनुष्का तेरे को मेरी सो अनुष्का, ओ अनुष्का तेरे को मेरी सो बारा चल। अनुष्का क्या हुआ? पुत्र सच बता, हुआ क्या है? सच तो ये है बीजी कि कल मेरी शादी है जे के साथ। हाँ पुत्र, रोते नहीं, मैं जानती हूँ। सच तो ये है
तू आदि से प्यार करती है ना? मेरे प्यार करने से क्या होता है गुलाबो? ऐसी बात नहीं है पुत्र, मैनू पता है आदि भी तेरे को ही प्यार करता है। अभी भी देर नहीं हुई है पुत्र, तू जाके ना उसको। तेरे कहने से क्या होता है गुलाबो, उसे भी तो कुछ कहना चाहिए ना। किसका कहा तू चिंता ना कर, सुन रहा है जो तेरे नसीब में है ना, होना वही है। तो यही काम है, अब तू कहाँ को चल पड़ा है, होने को शाम है। हो गया वो पता जो लिखा था, मिट गया। आदि, आदि तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम सोई नहीं अब तक? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे समथिंग इज नॉट राइट। तुम भी कुछ? मैं क्या रिया? जस्ट टेल मी, जो मैं सोच रही हूँ वो सब गलत है। हाँ, जस्ट टेल मी, सब मेरा वहम है। जस्ट टेल मी, सब ठीक हो जाएगा आदि। जस्ट टेल मी दैट यू लव मी। जस्ट आदि, जस्ट दैट। प्लीज आदि, टेल मी आदि। प्लीज काम डाउन। Really sorry, रिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब तुम भी जाके सो जाओ। I need some rest. Good night. Yes, ma'am. इस सेक्शन में मैंने सैटिन कर्टन्स बोले थे। These are not satin. Okay, गुलाब जल, welcome drink, and these flowers? मैम, आपने व्हाइट फ्लावर्स ही बोले थे। मैंने व्हाइट ऑर्किड्स बोले थे। रिया, what? What are you doing, बेटा? ये सब छोड़ो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। कैसे ध्यान दूँ? मैंने स्पेशली कहा था कि मुझे ये फ्लोरेसेंट कलर्स नहीं चाहिए। I just want soothing colors. That's okay, बेटा। सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा डैड? मेरी शादी के बाद? यहाँ सब गड़बड़ हो रही है, मेरी शादी में सब गड़बड़ हो रही है। Dad, everything is going wrong in my marriage. Nothing will go wrong, okay? मैं हूँ ना, बेटा, look at me. कुछ गलत नहीं होगा। I will make sure सब कुछ ठीक होगा। हाय रब्बा, कैसी जगह है ये? कुछ मिलता ही नहीं है। इंडिया में तो एक फोन करो, दुकानदार घर सामान छोड़ जाते हैं। ओ मेरी माँ, ये टेलीफोन है, रूम सर्विस में फोन कर और जो मंगाना है ना मंगा के कहानी खत्म कर। अच्छा जी, वो शादी में जो आपने पायजामा पहनना है उसका नाड़ा नहीं मिल रहा है, जरा फोन करके मंगा लो। हेलो, नाड़ा? ओ नाड़ा थोड़ा मिलता है इधर। वही कह रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है। और आप तो जब से आए हो ना बस टूरिस्ट बने घूम रहे हो, जैसे शादी सिर्फ मेरे लड़के की हो। और पुत्र तू है, ऐसे शुभ अवसर पे ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? अशुभ होता है। चल चल जल्दी से तैयार हो जा। तेरी तो। और सुनिए, सुनिए, पंडित जी ने जो लिस्ट दी है ना उसमें पान के पत्ते भी हैं, फेरों तक तो जरूर आ जाने चाहिए। हायो रब्बा, कैसी चीज दी है मुझे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सेम औरत है जिससे मैंने शादी की थी। मैं 2 मिनट के लिए तकिया लेके लेट क्यों ना जाऊं आराम से, इसको आग लग जाती है। पागल ना हो तो। ओ भाई, तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है? ओए आदि, तेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है।
सब पता है मुझे, बाप हूं मैं तेरा। सीरियस बातें है ना, मेरे फेस पे सूट नहीं करती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो तेरा दिल कहे ना वो करना। असल जिंदगी में सपनों की कोई जगह नहीं होती अनुष्का, तू जल्दी तैयार हो जा, जे तेरा वेट कर रहा है। Just excuse us, please. अनुष्का मैं भी आई। अनुष्का, मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे बुलाकर बहुत इज्जत दी है, would you agree? Yeah. तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि तुम मेरी और आदि की फैमिली की इज्जत का भी ख्याल रखो? अंकल, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? Alright, I'll be direct. आदि को इस शादी से सिर्फ रिया का प्यार नहीं मिल रहा है, उसे वो सारे सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है जो उसने खुली आंखों से देखे हैं। I know. मुझसे बेहतर आदि के सपनों को कौन जान सकता है? लेकिन तुम ये नहीं जानती कि दोस्ती और प्यार के बीच में एक थिन लाइन होती है जो कब क्रॉस हो जाए पता नहीं चलता है। तुम्हारे और आदि के बीच में ये जो दोस्ती है ना, इसे दोस्ती तक ही सीमित रखो। You got that? क्योंकि आदि के प्यार पर सिर्फ रिया का हक है, और प्यार पर जिसका हक होता है उसी को मिलता है वो प्यार। I hope I've made myself amply clear. Yes. Yes. Uncle, you made everything very clear. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्यार पे बस जिसका हक होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। Yes. Good. मैंने बोला ना इस वक्त मैं बात करने के मूड में नहीं हूं। तो जब तक तू बात करने के मूड में आएगा ना, तब तक बात करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तू चिल्ला क्यों रहा है? ताकि मेरी बात तेरे भेजे में घुसे यार। छोड़ या पेठा, जो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है वो इसे नहीं दिख रहा, तो उसे तेरी आवाज क्या सुनाई देगी? तुम लोगों का दिमाग सटक गया है? मुझ पर चिल्लाना छोड़ दो, दारू पियो। दारू? अच्छा, तेरी शादी खुशी में पिए या गम में? मुंह संभाल के बात कर। You're talking about my marriage. ए, मैरिज अकेले तेरी नहीं हो रही है, अनुष्का की भी हो रही है, और तू उसके बारे में सोचे ना सोचे हम सोचते हैं। What do you mean by मैं उसके बारे में नहीं सोचता? सोचता है? तो जाके रिया को बोलना कि तू उससे नहीं प्यार करता, अनुष्का से करता है। बोल। रहने दे यार पेठा, इसके बस की बात नहीं है। पट्टू है साला। तू कौन होता है? हाँ, मुझे बताने वाला? हाँ, it's my life. No, it's not just your life. अरे छोड़ना। समझा? तू अपनी जिंदगी के साथ साथ अनुष्का, रिया और यहाँ तक कि जे की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसा लगता है तुझे उनकी, तुझे उनकी जिंदगी ज्यादा, अपनी बाइक से ज्यादा प्यार है। छोड़, छोड़ना यार, कोई फायदा नहीं इससे बात करने का। तू चल यहाँ से, चल। तू कर जो तेरे को जो करना है कर, चल। अरे आप कन्या कहाँ थे, अपने हाथ में लीजिए। अब लगन लगी कि करिए। अभी आप जल छिड़किए। अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी। आप दोनों यज्ञ में घी डालिए। ना जी सकिए ना मरिए। आदि, पंडित जी अग्नि में घी डालने को कह रहे हैं। हाँ। अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी। कहाँ खोए हुए हो? बेटा, निक्की बाटली कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आदि, हमारी शादी हो रही है,
तुम अभी भी अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हो? बीजी और गुलाबो कहाँ हैं? आदि, आदि, कहाँ हैं सब लोग? बेटा, मैंने पूछा अनुष्का कहाँ है? कहाँ है अनुष्का? चली गई वो। वो वापस लंदन चली गई है। आदि, हमारी शादी हो रही है। तुम अभी भी अनुष्का के बारे में सोच रहे हो? अनुष्का चली गई है। हाँ, वो चली गई है। क्योंकि वो देख नहीं सकती तुम मुझसे शादी कर रहे हो। वो तुमसे प्यार करती है। मैं भी उसे चाहता हूँ। हटो सर। I love her. How dare you? एक मिनट। कुमार साहब, थप्पड़ का जवाब हम भी थप्पड़ से दे सकते हैं। पर ये प्रॉब्लम थप्पड़ मारने से सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि ये दिमाग का नहीं, दिल का मामला है, जो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा। मारने दीजिए पापा, लेकिन आप जितना भी मार ले, मैं आपको सिर्फ सच कहूंगा, वो सच जिसे समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया। वो सच ये है कि मैं अनुष्का से प्यार करता हूं। तुझे तो मैं पापा प्लीज। क्या इस सच का एहसास कहीं मुझे भी था? मेरा दिल जान गया था कि अनुष्का से प्यार करता है, लेकिन शायद मैंने भी सच को एक्सेप्ट करने में देरी कर दी। But how the hell can he do this? आप ही ने तो कहा था कि हाथ छूट जाने से रिश्ते नहीं टूटते। Pardon me, Mr. Kumar. मैं जानता हूं कि आपकी फैमिली का ये पर्सनल मैटर है, लेकिन जब सवाल कुछ जिंदगियों के बनने या बिगड़ने का हो तो मैं चुप नहीं रह सकता। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? जस्ट थिंक सर, आपकी बेटी कब ज्यादा खुश होगी? आदि रिया से शादी ना करे जब, या आदि रिया से शादी कर ले लेकिन मन ही मन अनुष्का को चाहता रहे तब? प्यार तो सभी करते हैं मिस्टर कुमार, लेकिन अपने प्यार को हासिल करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। आज अगर अदी ने सबके सामने सच कहा है तो उस सच में कहीं ना कहीं सबकी भलाई छुपी हुई है। द रेस्ट इज अप टू यू टू डिसाइड सर। मिस्टर कपूर ठीक कह रहे हैं पापा, अगर आप मेरी शादी आदि से करवा भी दो तो ना वो खुश रहेगा और ना मैं, क्योंकि वो अनुष्का से प्यार करता है। I'm really sorry, Riya. Thank you, sir. We'll be right back.
अनुष्का। सोच में हूं जरा ये क्या हो गया, लग रहा है मुझे सब नया नया हो जाने। How can you leave me? तो मैं क्या करती आदि, तुम्हारी और रिया की शादी में फूल और चावल फेंकती? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़ के चली गई, मेरी तो जान ही निकल गई। I love you आदि। I love you more। हो जाने हाँ, ये कैसा है इश्क के जैसा। तुझे यकीन था कि मैं आऊंगा? हाँ, मुझे यकीन था। और मुझे भी। जे, I'm sorry buddy। आदि, प्यार की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती यार। प्यार तो बस प्यार होता है। थैंक्स जे। और वैसे मैंने तुम दोनों के हनीमून की टिकट्स बुक करवा दी। must have been love, but it's over. आदि, तुम्हें नहीं लगता हनीमून से पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए? यस। अरे लम्बो, नीचे आजा, नीचे आजा। महफिल सजाओ, मुंह मीठा कराओ, बाराती संग ठुमके लगाओ। अनुष्का की शादी हो गई ना, अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ। सारे रिश्तेदारों को बुलाओ। ये लव कपूर कितना हॉट लग रहा है। हॉट लग रही है हम। नो वेडिंग पुलाओ, नो वेडिंग पुलाओ। अरे कम ऑन, किस 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 लव किस करना, कम ऑन यार। बेटे का हनीमून तो हो गया, पिताजी का हनीमून कब होगा? डोली ओ बेबी, क्या बड़ी वो क्या हूँ? रहने दो। क्यों रहने दूँ? तो कर लो फिर। वो कर तो रहा हूँ, वो आपको ढूंढ कर रहा हूँ। क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं यार, उसने शादी के लिए हाँ बोल दी। थैंक्स जे, तुम्हारे बिना ये लव स्टोरी पूरी नहीं होगी। पूरी कहाँ होगी, अभी तो शुरू हुई है। वैसे आप कुछ ओवरड्रेस नहीं है? अरे बनता है, मेरे कुछ भी ओवर भी हस्बैंड शादी जो है। हम साथ साथ डोली घोड़ी सबको सजाओ, बैंड बाजा बजाओ। दूल्हा दुल्हन के संग फोटो तो खिंचाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, सबको नचाओ, ये गाना फिर से बजाओ। द वेडिंग पुलाओ, द वेडिंग पुलाओ।